मकर राशि आज का राशि फल यानी कि 30 नवंबर का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु मकर स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप कहीं भी ना करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए आज का उपाय भी बताया है, जिस उपाय को फॉलो करके आप अपने आज के दिन को बेहतर बना सकते हो। तो जानते हैं पहले आपके आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग क्या कहता है? आज तिथि है चतुर्थी, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और पक्ष है शुक्ल पक्ष। आज दिन है शनिवार और सूर्य उदय हो रहा है आज 6:55 में और सूर्यास्त हो रहा है 5:23 में। चंद्रोदय हो रहा है 10:15 में और चंद्रास्त हो रहा है 8:51 में। उसके बाद आज का दिन है 10:28:44 का और अभी महीना चल रहा है मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीना। और आज आपके लिए शुभ समय है 11:48 से 12:30 के बीच में और अशुभ काल है सुबह के 6:55 से 7:37 तक और दोबारा है शाम के 7:37 से 8:19 तक। इसके बाद राहु काल शुरू होता है 9:32 से 10:50 तक और दिशाशूल है आज पूरब की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको जन्म कुंडली के बारे में, हस्तरेखा के बारे में या आपके लाइफ में कोई दिक्कत हो, उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी और अगर कॉल करते हो तो बात नहीं हो पाएगी। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करें। और हाँ, अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो उसके बदले में आपको कुछ शुल्क देने पड़ेंगे, कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। तो आप व्हाट्सएप कर लो और सारी बातें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहला है आपका प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के लिहाज से आज का दिन अच्छा नहीं रहने वाला है। आज आपके रोमांटिक मनोभावों में अचानक से आए बदलाव आपके मन को खिन्न कर देगा और इसके वजह से आपके प्रेमी के साथ आपका आज नोकझोंक भी होना तय माना जाएगा। लेकिन अपने प्रेमी के साथ आज अब विवाद न करें, रिश्ते को सामान्य रखें तो ये अच्छा होगा, अन्यथा बात बढ़ सकती है। इसके बाद है आपका आज का पारिवारिक संबंध। इस लिहाज से भी आज का दिन बेहतर रहेगा, शानदार रहेगा। आज आपके और आपके घर वालों के बीच सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा। अगर घर में कहीं कोई जिम्मेदारी हो तो आप उस जिम्मेदारी को आज निभाएं और घर के कामकाज में आज आप पीछे न हटें। अगर आप पीछे हटते हो तो ये बेहतर नहीं रहेगा। इसलिए घर में जो भी जिम्मेदारियाँ हो उन कामकाज को अपने कंधों पर आप लें तो ये बेहतर रहेगा। इसके बाद है आपका आज का स्वास्थ्य। इस लिहाज से आपका आज का दिन बहुत बेहतर रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, सबसे उत्तम रहने वाला है। आज आप अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपके दिमाग को खुला रखें। अपने अंदर आज आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां ही घुसने दें, बुराइयों को आप दूर रखें तो ये बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आपके मन में बुराइयां आती है तो फिर ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। क्योंकि जब किसी और इंसान के लिए मन में ईर्ष्या उत्पन्न होता है तो वो ईर्ष्या आपके मन को खराब कर देता है, आपको अंदर से बहुत गंदा कर देगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद है आपका आज का धन संपत्ति। तो ये भी आज बेहतर रहेगा, शानदार रहेगा। इसमें भी आज कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। आज के दिन अपने काम काज में आप धन का निवेश करें, ये निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इस निवेश के माध्यम से आपको धन का लाभ काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर आज आपके पास कोई इंसान हेल्प के लिए आता है तो आप उसे वापस ना करें, उस इंसान की आप हेल्प कर दें तो ये आपके आज के दिन के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद है आपका आज का व्यवसाय। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटे को ऑल पर ऑन भी कर लें। इसके बाद वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा देखने के बाद वीडियो को आप फैला दें, हर जगह शेयर कर दें ताकि सब कोई इस वीडियो का फायदा उठा सके। मित्रों, आज सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारी तथा नए तथ्य मुहैया कराएंगे जो आपके काम काज के लिए बहुत बेहतर रहेगा और इसके वजह से आपको फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा।
इसके बाद है आपका आज का वैवाहिक जीवन। मित्रों, जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की वजह से आज आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। दिखावा करने से आज आपको बचना चाहिए और ऐसा कुछ करें जिससे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य सही हो जाए और उनके स्वास्थ्य में फिर कहीं कोई बाधा नहीं आए। तो अब जानते हैं आपके आज के उपाय के बारे में। आज आप तंदूर या भट्टी में मीठी लाल रोटी लगवा कर लाल कुत्ते को खिलाएं, ये आपके आज के दिन के लिए बहुत बेहतर रहेगा, कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय सियाराम।